सो ही गाइस, अभी जस्ट मैं ग्रैंड मास्टर पुश करने के बाद बैठा ही था, तभी मुझे एक बात याद है यार। जब भी मैं रैंक पुश करता हूँ तो मेरा कोई ना कोई टीममेट्स हमेशा मुझसे बोलता है कि यार आयुष भाई मेरा गेम लैग कर रहा है, आयुष भाई मेरा फोन हैंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो जाता है। और खाली बैठे बैठे मेरा खुराफाती दिमाग चला, फिर मैं सोचने लगा कि यार आखिर ऐसा कौन सा फोन है जिसके अंदर फ्री फायर बिल्कुल भी लैग ना करता हो, बिल्कुल भी फोन हैंग ना करता हो। ऐसा कौन सा फोन है जिसके अंदर फ्री फायर एकदम मक्खन के माफिक एकदम स्मूथ चलता हो। और जैसे ही मेरा खुराफाती दिमाग चला वैसे मैं भी चल पड़ा, फिर जाके अपने घर में मैं अपने सारे फोन ढूंढने लगा। और यहाँ पर मेरे को जितने सारे फोन मेरे मिले उतने सारे फोन मैं यहाँ पर ले आया, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे फोन है, और इनमें से काफी ऐसे फोन है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स। और इनमें से काफी सारे ऐसे फोन है जो कि काफी ज्यादा सस्ते हैं लेकिन काफी ज्यादा अच्छे हैं, जैसे कि अपना पोको X3, अपना सैमसंग J2, अपना ओप्पो रेनो, और इसी तरीके से काफी ऐसे मिड रेंज के फोन है जो कि ज्यादातर लोग गेमिंग के लिए यूज करते हैं। हो सकता है कि अभी आप लोग जिस फोन में मेरी ये वीडियो देख रहे हो वो फोन मेरी इन्हीं फोनों की लिस्ट में हो। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि अपना फ्री फायर सबसे अच्छे से कौन से फोन में चलता है, और जिन लोगों के पास लो डिवाइस है, जिन लोगों के पास मिड रेंज का डिवाइस है, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ्री फायर को खेलते हुए, और उनका फोन कितना ज्यादा लैग करता है, इस वीडियो में हम लोगों को पता चलने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अपने आईफोन को ये एंड्रॉइड फोन टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि मेरे पास आईफोन तो है लेकिन साथ ही साथ मेरे पास बहुत अच्छे एंड्रॉइड फोन है, लाइक अपना रोग 5 हो गया, रोग 3 हो गया, वन प्लस 8 प्रो हो गया, बहुत ही खतरनाक गेमिंग फोन है ये। इस वीडियो को देख के आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को गेमिंग के लिए कौन सा फोन लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास कौन कौन से फोन है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है आईफोन 13 प्रो मैक्स, जो कि मैंने बहुत पहले लिया था, यानी कि जब अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स आया था तभी मैंने ये लिया था। और उसी के बाद मेरे पास एक और आईफोन 13 प्रो मैक्स है जो कि मैंने अभी थोड़ा न्यू लिया है, एक महीने हुआ इसको लिए हुए। और उसी के बाद यहाँ पे मेरे पास है एक आईफोन 11, तो देख सकते हैं मेरे पास 3 आईफोन यहाँ पर हो चुके हैं। और उसी के बाद यहाँ पर मेरे पास है सबकी जान पोको X3, आप लोग जानते हैं गाइस यार ये फोन कितना मस्त है, काफी ज्यादा लोग इस फोन को पसंद करते हैं। और उसी के बाद यहाँ पर मेरे पास है वन प्लस का 8 प्रो, वन प्लस को लोग आईफोन से कंपेयर करते हैं भाई, और जब बात हो गेमिंग फोन की तो अपना ROG का नाम ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है ROG 3, जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, मैंने स्टार्टिंग में लिया था जब ये स्टार्टिंग में आया था। और उसी के बाद सबसे फेवरेट फोन मेरा आ चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं सैमसंग, तो ये बहुत ही ज्यादा पुराना फोन है, आप लोग बोल सकते हैं कि यार ये मेरा दिल का टुकड़ा है, इस फोन से मेरी बहुत ही ज्यादा यादें जुड़ी हुई है, मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और उसी के बाद यहाँ पे मेरे पास है एक रोग 5, फेवरेट फोन है गेमिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अपने पास यहाँ पे एक और ओप्पो का फोन है, तो आप लोगों ने देख लिया मेरे पास कितने सारे फोन है यहाँ पर, जिसमें से मेरे पास 3 आईफोन है। और इन आईफोन को टक्कर देने के लिए मेरे पास एंड्रॉइड के 2 ऐसे फोन है जिनको गेमिंग में किंग बोला जाता है, जिसमें से अपने एक का नाम है वन प्लस 8 प्रो और दूसरे का नाम है अपना ROG 5। और उसी के साथ मेरे पास एक सैमसंग का 2GB रैम वाला फोन है जो कि आप में से काफी सारे लोगों ने बहुत पहले यूज किया होगा या फिर काफी सारे लोग अभी भी यूज करते होंगे। तो अगर आप लोग अभी भी यूज करते हो अपना सैमसंग का 2GB रैम वाला फोन तो मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और उसी के साथ अपने पास एक है 4GB रैम वाला फोन अपना ओप्पो का, और साथ ही साथ अपने पास एक ऐसा फोन है जिसका प्राइस तो ज्यादा नहीं है लेकिन उसके अंदर जो गेमिंग के फ्यूचर दिए गए ना वो ना ही आईफोन में है ना ही वन प्लस में, यानी कि जो 1-1 लाख वाले फोन के अंदर भी वो गेमिंग फ्यूचर नहीं होते ना, वो जस्ट 15,000 वाले फोन के अंदर गेमिंग फ्यूचर है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ अपने पोको X3 की, जो कि सच बताऊं तो मेरे को भी काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि यार इतना ज्यादा प्राइस भी नहीं है इसका और देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, और ऊपर से इसके अंदर वॉइस चेंजर है और भी काफी सारा गेमिंग के फ्यूचर है। तो अभी मैंने आप लोगों को सभी फोनों के बारे में बता दिया, लेकिन अभी बारी है इनकी यहाँ पर रियल टेस्ट की, जिसमें पता चलेगा कि आखिर सच में किंग कौन है। अभी हम इन सभी फोनों में एक साथ फ्री फायर को ओपन करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले किन फोनों में फ्री फायर ओपन होता है, और जिस फोन में सबसे पहले अपना फ्री फायर ओपन होगा वो फोन जीत जाएगा। यार मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि यार सच में कौन सा फोन विन होगा। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कौन सा फोन विनर बनेगा, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से। सो फाइनली गाइस, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है और ये सारे फोन अपने रेडी है इस युद्ध को लड़ने के लिए, मैं भी रेडी हूँ इस युद्ध को देखने के लिए, और गाइस आप लोग भी रेडी हो जाओ। तो 1, 2 and 3, तो सभी फोनों को हमने कर दिया यहाँ पे क्लिक, और देखेंगे सबसे पहले किस फोन में ओपन होगा अपना फ्री फायर, किस में होगा। ओके, तो आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड आईफोन 11 में सबसे पहले ओपन हुआ, उसके बाद अपने वन प्लस में ओपन हुआ, देन उसके बाद
अपना यहाँ पर रोग 2 में ओपन हुआ, देन उसके बाद अपना पोको X3 में हुआ, एंड उसके बाद अपना रोग 5 में हुआ, एंड उसके बाद अपना ओपन हुआ। वैसे सैमसंग में सबसे ज्यादा लेट हुआ, उसके पीछे दो मेन रीजन है। तो रीजन नंबर 1 ये है कि यार अपना सैमसंग का फोन लिटरली बहुत ही ज्यादा पुराना है, मैं बहुत सालों से इसको यूज करता हुआ आ रहा हूँ, मेरे को खुद भी याद नहीं है, और 2GB रैम का फोन है। लेकिन सच बताऊं तो अपने सैमसंग पे थोड़ा लेट भी क्लिक हुआ था, बाकी सारे फोनों पे पहले क्लिक हो गया था, लेकिन अपना ये जो सैमसंग का फोन है इस पे थोड़ा लेट क्लिक हुआ था, बट फिर भी यार काफी जल्दी ओपन हो गया इसके अंदर अपना फ्री फायर। तो गाइस ये था अपना छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो कि मैंने किया। मैं सच बताऊं तो मेरे को इस एक्सपेरिमेंट को करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट को देखने में मजा आया या नहीं आया, और कमेंट में अपने फोन का नेम भी जरूर लिख देना, और ये भी कमेंट कर देना कि आप लोगों का इन फोनों में से सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा फोन है। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, यार बिल्कुल फ्री दो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप लोगों को सब्सक्राइब वाला बटन रेड कलर का अभी तक दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके यार ग्रे कलर का उसको कर दो और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और गाइस तब तक के लिए मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर गाइस, आई लव यू सो मच, आप सभी लोगों को टेक केयर।